हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सतीश शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शिक्षा सागर में। फ्रेंड्स, मैं यहां आपके लिए एमपी करेंट्स की पूरी एक सीरीज लाने वाला हूं जिसमें 10 वीडियोस होंगे और एमपी का सारा करेंट उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। जो व्यापम में आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे जेल पहरी, SI कांस्टेबल या संविदा शिक्षक, सबके लिए महत्वपूर्ण है। आप तो जानते ही हैं व्यापम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एमपी करंट से ही पूछता है। इसके लिए और आने वाली वीडियोस को अपने मोबाइल में सबसे पहले पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ ही आप कमेंट कर सकते हैं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, जल पुरुष कहे जाने वाले किस व्यक्ति ने शिवराज को नदी नायक की उपाधि दी है? यह है राजेंद्र सिंह। फ्रेंड्स, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो जल पुरुष किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है राजेंद्र सिंह को, और दूसरा नदी नायक की उपाधि किसे दी गई है, ये दी गई है शिवराज सिंह चौहान को। ये दोनों ही क्वेश्चन आप याद रखिएगा। सेकंड, एमपी रेड क्रॉस सोसाइटी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये है हमारे यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। थर्ड, इंटरनेशनल विराट गुरुकुल आयोजन कहाँ पर आयोजित हुआ था? यह हुआ था उज्जैन में। और स्मार्ट सिटी के CEO के सम्मेलन की मेज़बानी किस शहर ने की? यह की है भोपाल ने। फिफ्थ पॉइंट है, MP का पहला RTO जिसे ISO 9001:2015 का प्रमाण पत्र मिला है, यह है मिला है इंदौर को। पॉइंट नंबर 6 है, दिव्यांगों के लिए नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना कहाँ हुई? यह हुई है भोपाल में। पॉइंट नंबर 7 है, MP के किन जिलों में कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये दो जिले हैं जिनका नाम है भिंड और टीकमगढ़। पॉइंट नंबर 8 है, आवास की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यह है हमारा मध्य प्रदेश। पॉइंट नंबर 9 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नर्मदा सेवा यात्रा कहाँ से आरंभ की? यह की है अनूपपुर से। पॉइंट नंबर 10 है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यह बनाया गया है नियाज मोहम्मद खां को। पॉइंट नंबर 11 है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला डॉक्टर कौन सी है जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि ये MP की प्रथम महिला डॉक्टर हैं, ये हैं भक्ति यादव, इंदौर की रहने वाली हैं ये। पॉइंट नंबर 12 है, देश का 26वां सैनिक स्कूल की स्थापना कहाँ पर होगी? यह होगी भिंड में। पॉइंट नंबर 13, इसमें भी एक तरह से दो क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि पहला डिजिटल गाँव कौन सा है? यह है बिड़झरी है ये, और ये किसकी मदद से बना है? ये बना है बैंक ऑफ इंडिया की मदद से। पॉइंट नंबर 14 है, विश्व रूपम प्रदर्शनी समारोह आयोजित कहाँ हुई थी? ये हुई थी उज्जैन में। और लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 15, एक्सलेंस अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? यह हुआ था रानी दुर्गावती महिला चिकित्सालय जबलपुर को। फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट और सेंट्रल और स्टेट की कैबिनेट के लिए मैं वीडियो जल्दी डालने वाला हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।